हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो देखिए, आज के वीडियो में हम एक प्यारा सा छोटा सा डोरमेट लेकर आए हैं, जिसे मैंने मल्टी कलर से बनाया है। यानी कि ये आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप इसमें जो भी छोटे छोटे साड़ी के या चुन्नी के या फिर किसी भी तरह के टुकड़े होते हैं, उनका यूज़ करके इस तरह से बिल्कुल छोटे कम कपड़े में भी आप इसको बड़े साइज़ में बना सकते हैं। तो इसका यूज़ करके आप एक बड़े साइज़ का डोरमेट बना लेंगे। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इजी है। आप इसकी एक कली बनाना सीखेंगे, उसी तरह से इसकी आगे की कलियां बनेंगी। देखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी इसे बहुत अच्छी तरह से बताने की। इसके लिए आपको लेनी है, देखिए, 7, 8 या 9 नंबर की सिलाइयाँ। आप इसमें से कोई से भी एक नंबर की सिलाई सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए चुन्नी का कपड़ा या फिर साड़ी का कपड़ा या फिर किसी भी तरह का पुराना कपड़ा हो, उसमें से आप 1 इंच की इस तरह से पट्टी फाड़ लीजिए और उसी से इसको बनाएंगे। अब देखिए, जब हम इसे बनाते हैं तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी इसको बनाना होता है। अब साइज़ का क्या है, देखिए, इसको हम किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आपको इसे 2 के पेयर में बनाना है तो 2-2 के पेयर से आप फंदे ले सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से 2 के पेयर के फंदे होते हैं, तो आप इसमें अधिकतम कितने भी फंदे ले सकते हैं, जितने आपकी सिलाई में आ जाए। और छोटा बनाना है तो कम फंदे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन दोनों में ही आपको 2 फंदे का ध्यान रखना है, 2 के पेयर से ही लेने हैं, ठीक है। आइए, अब देखिए फंदे कैसे बनाने हैं। अगर आपको इस तरह से फंदे बनाना ईजी लगता है तो इस तरह से बना लीजिए, और नहीं तो और भी कई तरह से फंदे डाले जाते हैं। देखिए, इस तरह से मैं डालती हूँ फंदे। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको ऐसे पकड़ के यूं करके ऐसे भी फंदे बना सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरह से फंदे बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें मैं ले लेती हूँ 16 फंदे बना लेती हूँ। 16 फंदों में आप इसका जो डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, उसी डिज़ाइन से आप किसी भी साइज़ में बना लेंगे, 20 फंदे का या 24 फंदे का या 38 फंदे का, इस तरह से, ठीक है। तो आप किसी भी साइज़ के लिए आप अपनी मर्ज़ी से फंदे ले सकते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये देखिए, हमने इसमें 14 फंदे ले लिए हैं। देखिए, हम कितने भी फंदे में सीख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी इसको सीखना है। उसके बाद जब हम इसको बड़े साइज़ में बनाएंगे तो बड़े साइज़ के लिए ज़्यादा फंदों में बनाएंगे, सेम इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो सीखने के लिए अभी हम ये कम फंदे यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये जल्दी से समझ आ जाए। अब ये क्या करना है आपको, ये पहली सिलाई है, तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पर देखो, एक साइड से हमने यहाँ पर 1-1 फंदा कम किया है, और यहाँ से इधर की साइड से हमने 2-2 करके ये फंदे छोड़े हैं। मतलब छोड़ने का मतलब ये है, बिना बुने छोड़ना है, फिर वापस जाना है और उधर से बनाते हुए आना है ऐसे, और यहाँ पे कम करना है। ये जो कटिंग आई है वो फंदे 1-1 करके कम किया गया है, ठीक है। तो अभी ये जो साइड है वो इधर की साइड है, हम यहाँ से इसको देखिए, आप चाहें तो पहली सिलाई में भी फंदा कम कर सकते हैं ये वाला, और आप चाहें तो दूसरी सिलाई से भी, क्योंकि ये पहली सिलाई है इसमें पता नहीं चलेगा। पर हम यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरे कलर की कली बनाएंगे ना, तो उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको स्टार्टिंग से ही इसको 1 फंदे को कम करते हुए ही बनाना बता रही हूँ। यहाँ पर हमने फंदे ले लिए, ठीक है। अब ये 2 फंदे हमारे पास, इनको हमें एक साथ बुनना है। 2 फंदे लिए सिलाई पर और उनको एक साथ ऐसे बुनेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा 1 फंदा कम हो गया। इस तरह से आपको ये वाला फंदा कम करना है इस वाली कटिंग के लिए, ठीक है। 2 फंदे का एक करते हैं तो कम हो जाता है, ओके। अब देखिए, बस हमें ये 1 फंदा ही कम करना है, उसके बाद के जो फंदे हैं उनको हम बनाते जाएंगे। लास्ट में 2 फंदे ये नहीं बनाएंगे, इनको हमें छोड़ना है, मतलब बिना बुने छोड़ना है, ठीक है। अब देखिए, आगे के फंदे हम 1-1 करके ऐसे बुनते हुए जाएंगे। 1, 2, 3 जो भी आपके पास फंदे हैं, जिस भी साइज़ में आप बना रहे हैं, उन
के जो बीच के फंदे हैं उनको ऐसे बनाएंगे, बस लास्ट में जाके आपको दो फंदे छोड़ने हैं, जितने भी फंदे हैं ना उसके लास्ट वाले फंदे छोड़ने हैं। ये पहली सिलाई में, ये देखिए ये वाले, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ये देखिए हमने एक लाइन इसकी एक तरफ से बना ली है, ठीक है। यहाँ पे एक फंदा कम किया है और बीच के फंदे बनाते हुए आए हैं, यहाँ पे ये दो फंदे छोड़ दिए, ठीक है। अभी देखिए हम इधर आएंगे दूसरी साइड, दूसरी साइड में हम ये वाले सारे फंदे बना लेंगे, मतलब ये दो फंदे छोड़ के बाकी के फंदों को उल्टा ऐसे ही बना लेना है। इसको उल्टी बुनाई कहते हैं, इसलिए दोनों साइड से इसको एक ही तरह से बनाते हैं। तो देखिए ये वाली बुनाई आ जाती है। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा भी बनाएंगे तब भी ये ऐसी आएगी, और अगर दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो भी ऐसी डिजाइन आएगी। हमने यहाँ पे पूरे फंदे बना लिए, ठीक है। तो एक लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए इसकी अगली लाइन, सिलाई को पलट लिया है और यहाँ से अब हम दूसरी लाइन बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमको ये देखना है कि एक साइड से दो फंदे छूट रहे हैं और एक साइड से एक फंदा कम हो रहा है, बस। तो जिधर की साइड से फंदा कम हो रहा है उधर की साइड से ही कम करते जाएंगे। यहाँ स्टार्टिंग में हमने किया था एक फंदा, फिर हम दूसरी लाइन में भी एक और फंदा कम करेंगे। उसके लिए भी हमने दो फंदे को एक साथ लिया है, ये देखिए, और फिर उसको एक साथ ऐसे बना दिया है। ये देखिए एक फंदा कम हो गया है, अब बाकी के आगे के फंदे ऐसे बनाते जाएंगे। आप इसकी इस तरह से एक कली बनाना सीख लेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ये आगे बनाना बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, ये दो फंदे और हमें छोड़ने हैं, क्योंकि हमें हर एक सिलाई में दो फंदे छोड़ने हैं। पहली सिलाई के ये फंदे छूटे हुए, ये दूसरी वाले के छोड़ दिए, ठीक है। इस तरह से इधर की साइड से ये दो दो फंदे कम होते जाएंगे, यानी हर बार ना आपको दो फंदे कम बुनने पड़ेंगे। आइए इधर से तो इसको ऐसे सिंपल बना लेते हैं। तो ये वाली सिलाई आप जल्दी से बुन के पूरी कर लेंगे। देखिए इसकी दो लाइन बन गई है। अब इसकी तीसरी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे भी हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये धागा ख़त्म हो गया है, तो हम इसमें दूसरी पट्टी को ऐसे करके रख के ऐसे लपेट लेंगे तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगी। ऐसे करके आपको पट्टी जोड़नी है, दो फंदे का एक करके यहाँ पे एक फंदा कम किया, फिर इसको ऐसे पकड़े रहेंगे सही से, दूसरे आगे का फंदा बनाएंगे, अब और बनाएंगे और इसको बुनते हुए फिर से आगे चलेंगे। अब इस वाली लाइन में भी हम ये दो फंदे छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए फिर से बैक साइड आएंगे और यहाँ से इनको बनाकर पूरा कर लेंगे। इस वाली लाइन को एक तरफ से इस लाइन को ऐसे बुनकर पूरा कर लेंगे। ये देखिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एक साइड से ये कटिंग आ रही है ना। अब क्या करना है आपको, इस तरह से ही आपके पास जितने भी फंदे हैं उन सबको ही करते जाना है। हर एक सिलाई में एक फंदा कम करना है, आगे के फंदे ऐसे करने हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ऐसा आ जाएगा कि एक या दो फंदे ही इधर को बचेंगे, ठीक है। तो हमारे ये दो फंदे हैं, दोनों को हमने ऐसे बना लिया। अब ये पूरी हो गई कली यहाँ पे। ऐसे ही आपके इधर की साइड से दो दो करके छूटते हुए फंदे पूरे हो जाएंगे और इधर से एक कम होना बंद हो जाएगा। अब यहीं पे स्टॉप करना है आपको, और फिर आपको दूसरा कलर लेना है, जो भी आप लगाना चाहें वो कलर ले लीजिए और यहाँ पर जोड़ लीजिए। आप चाहें तो इसी धागे के साथ जोड़ सकते हैं, या इसको कट करके, या फिर इसमें ऐसे नॉट लगा के, जैसे भी आपको ईजी लगे, लेकिन इसे जोड़ना मजबूती से। मैंने यहाँ पे इसीलिए नॉट लगा दिया। अब क्या करना है आपको, देखिए इधर की साइड से अभी कुछ नहीं करना है आपको, इस कलर को जोड़ते हुए इनको बुनना है। जो ये दो दो करके छूटे हुए फंदे हैं उनको ऐसे दो दो एक एक करके ऐसे बुनते हुए इसमें लेते जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने। तो जब ये कली पूरी हो जाती है तो इस तरह से कलर चेंज करना होता है। अभी हमारे पास ये देखिए कम फंदे हैं, ये कलर चेंज तो कर दिया है लेकिन फंदे कम हैं, क्योंकि ये इधर से जो फंदे घट गए हैं वो नहीं है इसमें, लेकिन हम इसको बुन लेंगे पूरा,
ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छी तरह से दूसरी कली को जोड़ना सीख लें, दूसरे कलर को जोड़ के आगे की कली कैसे बनाएंगे वो भी आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये कलर जोड़कर इन फंदों को किया है। देखिए ये 2, 4, 6, 8, 10 फंदे हैं, क्योंकि हमारे 5 फंदे यहाँ पे एक एक सिलाई में कम हो गए, 6 फंदे कम हो गए ना, सॉरी 4 है ना, जो भी जितनी भी लाइन होंगी उतने ही फंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब इधर से इसको बनाते हुए जाएंगे, तब देखिए आपको क्या करना है। ये तो यहाँ से हम इसे बनाएंगे ऐसे ही, इस वाली लाइन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ही वो चेंज होगा, जो फंदे कम हुए हैं ना वो हमें इस वाली लाइन में ही बढ़ाने हैं, इधर से इधर साइड से। ये देखिए हमने इनको तो यहाँ तक बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो भी फंदे कम हैं, जैसे ये 10 है ना, और हमने डाले कितने थे, 14 फंदे, 14 फंदे, तो हम 4 फंदे ऐसे बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, किधर से भी बढ़ा लीजिए, आपको पूरे फंदे यहाँ पे कर लेने हैं। अब ये पूरी एक लाइन जैसी लग रही है, अब इसको बनाएंगे। देखिए अब यहाँ से बनाएंगे और यहाँ पे एक दो फंदे छोड़ेंगे, यहाँ पे एक फंदा कम करना है। तो अभी ये हमने फंदे डाले हैं, इसलिए ये फंदा कम करना थोड़ा सा कठिन लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार ऐसे बनाना है। ये फंदा कम हो गया, इसमें बढ़ाया भी था, फंदा कम भी हो गया, मतलब वो हमने फंदे वो वाले बढ़ाए हैं जो टोटल फंदे हैं। ठीक है, उसके बाद इनको ऐसे बनाते जाना है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये करना है आपको ऐसे। अब जैसे हमने पहली लाइन बनाई थी पहली कली की, वैसे ही हम ये बनाते हुए जा रहे हैं। एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया है, बाकी वो के बुनते हुए आ गए, और यहाँ पे दो फंदे अब हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से इसकी दूसरी ये कली की पहली लाइन बन गई है, जैसे हमने ये बनाई थी सेम इसी तरह से। आगे की ओर देख लीजिए, बस हम इसमें कलर चेंज करते जाएँगे, और जैसे ये कली बनाई है उसी तरह से आगे की कलियाँ बनाते जाएँगे। फिर देखिए आप इसकी कितनी सुंदर सी ये डिज़ाइन बन के आती है, बिल्कुल सिंपल है, बस आप इसमें कलर जोड़ते जाइए मल्टी कलर का। अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ा मीडियम साइज़ ही। देखिए बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कमल के जैसे डिज़ाइन का। ठीक है, अब यहाँ से फिर से यहाँ पे दो फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए फिर यहाँ पर इसको बनाएंगे और लास्ट में दो फंदे और छोड़ेंगे। ठीक है, अब ये वाले फंदे छूट जाएंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, फिर यहाँ से इसको बना लेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने ये कली बनाई थी सेम ऐसे ही बनेगी, क्योंकि मैं इसे फिर क्या आपको सारा रिपीट करके दिखाऊं। आप इसको इसी तरह से बनाते जाएंगे, कली इजीली बन जाएगी ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे एक के बाद एक कली बनाते जाना है। देखिए मैंने इसमें ऐसे ही बनाई है, राउंड में अपने आप आती जाएंगी कलियाँ, बनती जाएंगी और ये कटिंग भी आती जाएगी। बस आपको फंदे एक एक करके घटाने, फिर लास्ट वाली सिलाई में उसको मैं दूसरे कलर की में बढ़ा देने हैं, फिर पूरे हो जाएंगे, फिर उसको ऐसे ही करना है। ऐसे करके जब ये पूरा बन जाए ऐसे राउंड शेप में, तो इसको यहाँ से ये वाली कली और ये जो लास्ट की कली होगी वो वाले फंदे बंद कर देंगे, जो कि दो का एक करके ही बंद करे गए हैं, फिर उनको यहाँ पर ऐसे सिलाई कर देंगे। अगर ये आपका बीच में होल ज़्यादा बड़ा है तो इसमें ऐसे एक धागा डाल करके ऐसे खींच देंगे और इसको भी छोटा कर देंगे। तो ये देखिए छोटा सा था, बनाने में इजी है, और अगर आप इसे बनाते हैं बड़े साइज़ का तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और भी कोई प्रॉब्लम लगती हो अगर तो वो भी बताना। आपने मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।